हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम चक्रेश अहरवार और मैं अपने यूट्यूब चैनल TNT ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक डिस्कस भी कर चुके हैं। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इन करंट, वो हमारा चल रहा है पार्लियामेंट, दैट इज संसद। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा हमारा सेशन ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज संसद के सत्र। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यदि दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल TNT ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हमारा टॉपिक चल रहा है संसद, ठीक है। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्या, संसद के सत्र, ठीक है। तो संसद के सत्र यानी सत्र क्या होते हैं दोस्तों, सत्र मतलब सेशन, कि संसद करती क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, संसद के मेनली तीन सेशन होते हैं। पहला सेशन होता है बजट सत्र, और दूसरा सेशन होता है मानसून सत्र, और तीसरा सेशन होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो बजट सेशन है या बजट सत्र है, वो फरवरी से मई तक चलता है, और जो सेकंड मानसून सत्र है, वो जुलाई से लेकर के अगस्त तक चलता है, और जो थर्ड या तीसरा सेशन है, वो है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चलता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो अब जैसे हमने अभी सत्र देखे हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कि जो हमारा सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो सेशन होता है, वो कौन सा सेशन होता है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा सेशन होता है, वो हमारा होता है कौन सा, बजट सत्र होता है, ठीक है। क्योंकि फरवरी से मई तक चलता है ये दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये फरवरी से मई तक चलता है। और जो सबसे छोटा सेशन होता है दोस्तों, वो होता है शीतकालीन सेशन। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मानसून सत्र भी मतलब दो महीने का है, जुलाई और अगस्त, और शीतकालीन सत्र भी नवंबर और दिसंबर यानी दो महीने का है, तो फिर इसमें से सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र कैसे हुआ। तो दोस्तों, मैं इसके आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर दोस्तों, जुलाई और अगस्त में 31 डेज होते हैं, जिसके कारण ये 62 डेज का होता है, और ये जो शीतकालीन सत्र होता है, इसमें केवल और केवल 61 डेज ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम शीतकालीन सत्र को सबसे छोटा सत्र मानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारा जो पहला सेशन है, जो पहला सेशन या पहला सत्र है, उसकी अंतिम तिथि, और जो दूसरा सेशन है, जो दूसरा सेशन है, उसकी प्रथम तिथि के बीच जो समय हो सकता है, वो मैक्सिमम समय कितना हो सकता है, 6 महीने तक का हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले सत्र की अंतिम तिथि व दूसरे सत्र की पहली तिथि के बीच केवल 6 महीने का गैप हो सकता है, ठीक है दोस्तों। मतलब 6 महीने से ज़्यादा के गैप नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। कुछ संसद से रिलेटेड ही कुछ शब्द हैं। पहला शब्द है स्थगन, दूसरा शब्द है सत्रावसान, और तीसरा शब्द है विघटन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, कि स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, और विघटन क्या होता है। अब दोस्तों, जैसे कि हमारा कोई सत्र चल रहा है, जैसे मान लो बजट सत्र चल रहा है, अब संसद में बजट सत्र चल रहा है, तो क्या होगा, मान लो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, यानी कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, या कुछ दिनों के लिए,
क्या होगा, उसका स्थगन हो जाता है। जैसे मान लो कोई बैठक, संसद की बैठक चल रही है, ठीक है दोस्तों। अब संसद की बैठक चल रही है तो लोकसभा में यदि सत्र चल रहा है तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। कुछ समय के लिए दोस्तों, मतलब कुछ समय के लिए बोला है मैंने, एकदम स्थगित नहीं बोला कि एकदम हमेशा के लिए स्थगित हो जाए, ऐसा नहीं। मतलब कुछ समय के लिए स्थगित होगा, फिर से सत्र स्टार्ट हो जाएगा या शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ समय के लिए क्या कर देगा, जिस भी सदन में सत्र चल रहा है, उस सदन का कौन अध्यक्ष, यानी जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष, और यदि राज्यसभा में सत्र चल रहा है तो राज्यसभा का सभापति, ठीक है दोस्तों। कुछ समय के लिए क्या कर देगा, उसको सत्र को स्थगन कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ही होता है स्थगन का मतलब। सत्रावसान का मतलब क्या होता है दोस्तों, सत्रावसान का मतलब ये होता है दोस्तों, अब जैसे कोई सत्र चल रहा है, क्या कोई सत्र चल रहा है और अब उसका अंत होने वाला है, जैसे फरवरी से मई तक, मान लो बजट सत्र की बात करें तो फरवरी से मई तक चलता है वो, क्या फरवरी से मई तक चलता है। अब मई के अंतिम अंतिम दिनों तक क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा बजट सत्र, ठीक है दोस्तों। अब फिर उसके बाद क्या होगा, जो देश के राष्ट्रपति हैं वो इस सत्र को क्या कर दे, खत्म कर देंगे अगले साल के तक के लिए, ठीक है दोस्तों। क्या कर देंगे, इस सत्र को वो अगले साल तक के लिए क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब उसकी सीमा समाप्त कर देंगे, ठीक है, या समय सीमा को समाप्त कर देंगे। कौन कर देंगे, देश के राष्ट्रपति। ये अधिकार केवल किसको है, देश के राष्ट्रपति को है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों विघटन की बात करें तो विघटन क्या होता है, विघटन का मतलब सीधा सा मतलब ये भंग करना, ठीक है, भंग करना। अब दोस्तों जो विघटन होता है केवल और केवल दोस्तों लोकसभा में होता है, ये राज्यसभा में नहीं होता है, क्योंकि जो राज्यसभा होता है वो संसद का स्थायी सदन होता है, ना कि अस्थायी, ठीक है। और जो लोकसभा है दोस्तों वो लोकसभा संसद का अस्थायी सदन होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोकसभा में केवल विघटन होगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, अब जैसे बजट सत्र पढ़ लिया, मानसून सत्र पढ़ लिया, शीतकालीन सत्र पढ़ लिया, और उसके कुछ टर्मिनोलॉजी, दैट इज उसके कुछ शब्द भी पढ़ लिए, जैसे स्थगन, सत्रावसान और विघटन, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, संसद की कार्यवाही की, ठीक है दोस्तों, कि जो चलेगा संसद की जो कार्यवाही चलेगी वो कब से कब तक चलेगी, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि संसद की जो कार्यवाही है वो कब से कब तक चलेगी। तो दोस्तों संसद की दो प्रकार की कार्यवाही होती है, एक तो प्रश्नकाल और एक शून्यकाल होती है, ठीक है दोस्तों। मतलब दो घंटे की काम होता है, एक तो प्रश्नकाल होता है और एक होती है शून्यकाल। तो जो प्रश्नकाल होता है दोस्तों वो 11 AM से लेकर 12 PM तक होता है, ठीक है। मतलब सुबह के 11 बजे से सुबह मतलब दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है दोस्तों। ये एक घंटा चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रथम घंटा बोलते हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। अब दोस्तों प्रश्नकाल में क्या होता है, प्रश्नकाल में दोस्तों दो प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। एक तो होता है तारांकित प्रश्न और दूसरा होता है कौन, अतारांकित प्रश्न, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों तारांकित प्रश्न में क्या होता है, अतारांकित प्रश्न में क्या होता है दोस्तों, तारांक मान लो कोई संसद का सदस्य है, ठीक है, कोई संसद का सदस्य है, वो किसी मंत्री से कोई प्रश्न पूछता है, तो मंत्री क्या करेगा, उस प्रश्न का उत्तर कैसे देगा, मौखिक देगा, जैसे वहीं बैठा है तो उसका जवाब तुरंत मौखिक देगा, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तारांकित प्रश्न बोलते हैं। और अतारांकित प्रश्न कौन होता है, अतारांकित प्रश्न वो होता है जैसे संसद का कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी दूसरे सदस्य से कोई प्रश्न करता है, तो वो क्या करेगा, कोई दूसरा सदस्य क्या करेगा, वो लिखित जवाब देगा, वो क्या करेगा, एक पेज पर जवाब देगा लिखकर, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है तारांकित और ये होता है अतारांकित। मतलब कहने का, तारांकित का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि मौखिक जवाब देना,
अतारांकित का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि लिखित में जवाब देना, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा क्या, प्रश्न काल में 11 बजे से सुबह मतलब दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है दोस्तों। एक घंटा चलता है ये प्रथम घंटा। फिर बात करते हैं हम शून्यकाल की। दोस्तों ये शून्यकाल संसद की कार्यवाही का दूसरा घंटा होता है और ये चलता है सुबह 12 बजे दोपहर 12 बजे पीएम से लेकर के दोपहर 1 PM तक, मतलब एक घंटा ये चलता है जिसे हम दूसरा घंटा कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस दूसरे घंटे में या शून्यकाल में क्या होता है, शून्यकाल में तमाम प्रकार के प्रस्ताव रखे जाते हैं। जितने भी प्रस्ताव रखे जाते हैं संसद में वो सभी क्या कहाँ पर रखे जाते हैं, इसी शून्यकाल के अंतर्गत में रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं बता चुका हूँ। और जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, जैसे कि कोई दोस्तों मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो संसद का कोई सदस्य या कोई भी व्यक्ति उस मंत्री का ध्यान आकर्षण करेगा कि भाई ये काम करो तुम, ठीक है, ये यहाँ पर इस चीज़ की कमी है, ये करना ज़रूरी होगा। तो मतलब उसका किसी भी काम की तरफ ध्यान दिलाना, ठीक है, उसका ध्यान आकर्षण करना किसी भी काम की तरफ जो काम हो नहीं रहा है, तो ये होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने YouTube चैनल TNT ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और ये अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो का PDF और जितने भी वीडियो मैंने अभी तक कंप्लीट किए उनके PDF मैंने उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं। और मैंने अपना एक WhatsApp ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम है TNT ग्रुप फॉर फ्री कोच, ठीक है दोस्तों, फ्री कोचिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और TNT ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिएगा मेरे साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।